जी ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अरे हम तुम्हारे साथ सेल्फी ले रहे बेटा। अरे आपको यहाँ सेल्फी की पड़ी है? बाहर बिंदिया के मम्मी पापा कभी भी अंदर आ सकते हैं, आपको यहाँ सेल्फी लेने की पड़ी है। हाँ बंसाली। गुप्ता मेरी बात सुन, पहले मुझे ये बता कि राजीव किस रूम में, वो पता चला? हाँ हाँ, बस चिंता मत करो, हम अभी बाहर आते हैं। देखा आ गए ना बिंदिया के बाबूजी और मामा जी। अरे यार उनको पता लग गया ना कि राजीव और राजीव मैं ही हूँ, इतना बड़ा कांड हो जाएगा और मेरा शो तो बंद हो गई। इतना नुकसान होगा कि सदमे के मारे मैं इसी हॉस्पिटल में इसी बिस्तर पे लेटा हूँ। जितनी सेल्फियां तब चाहिए ले लेना था मुझसे। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुझे फोन तो ऑफ किया ही नहीं आपने? तुम्हारी बातों के चक्कर में भूल गए फोन काटना। क्या होगा, बिंदिया के पापा ने सब सुन लिया होगा। अरे हम बाहर जाके देखते हैं उन्होंने सुना कि नहीं सुना। अगर नहीं सुना होगा तो हम उन्हें लेके आते हैं, और अगर सुना होगा तो तू आते बाबूजी। बाबूजी जाके देखिए ना प्लीज। तू आते यार, अगर सुन लिया होगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, अगर उन्होंने सुन भी लिया तो हम उनसे कह देंगे कि सर पे चोट लगने की वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हाँ करेक्ट, यही बोलना, और बोलना कि इसको रेस्ट की सख्त जरूरत है, और भगा देना फटाफट, मैं लेट जाता हूँ। हाँ लेट जा, वो मैं कर लूंगा। सीन की ओपनिंग ये है कि आप जो है कुशल साहब के पैरों में गिर जाती है। What? No way. मैं कुशल के पैरों में कभी नहीं गिरूंगी। आप एक काम कीजिए, आप सीन चेंज कर दीजिए कि कुशल मेरे पैरों पे गिरता है, ओके? नहीं 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 सर, मैं इनके पैरों में कभी नहीं गिर सकता, बिल्कुल भी नहीं। पेडीक्योर भी नहीं कराती सर। बहुत सारा। ओ विद्या जी, बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने ससुर के पैरों में गिर सकती हैं, सास के पैरों में गिर सकती हैं, तो पति के पैरों में गिरने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको साड़ी पहनने आता है? साड़ी नहीं तो सीख लीजिए, बिकॉज़ आई क्विट। ये क्या कर दिया सर आपने? मैंने क्या किया? सर अगर राजीव सर को पता चल गया ना कि बिंदिया मैडम आपकी वजह से शो छोड़ के गई हैं, सर आप ना घर पर बैठ के टीवी पे शो देखिएगा। अरे बिंदिया जी एक मिनट मिनट, आप तो खाम खा कर नाराज हो रही हैं, बल्कि आपने तो कमाल का सजेशन दिया था। अरे बिंदिया और कुशल के पैरों में गिरेगी तो ऐसे कभी हो सकता है? बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि आप सारे डायलॉग जो है ना छोड़ के बोलेंगी, है ना? गुड सर, आप बहुत समझदार है बाय द वे। बचपन से शूटिंग करें। लेट्स शूट। हां जी रेडी। क्या हुआ? बच गए। अरे उन्होंने तो सुना ही नहीं, बल्कि वो तो तड़प रहे थे कि हमें राजीव से मिलना है। मैंने कहा कि आप शांत रहिए, हम बाथरूम से आते हैं और उस बहाने तुम्हें ये बात बताने के लिए आ गए। वेरी गुड। अब क्या हुआ, फिर ऑन रह गया क्या फोन? हम मुझे ले रहे थे बाबूजी, ये मजे लेने का वक्त है, मजे लेने का वक्त है ये। अब तो फोन ऑफ हो या ऑन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बंसाली को तो वैसे ही पता चल जाएगा तू राजीव नहीं राजीव है। क्या वो कैसे? जटाए कहाँ है? अरे जल्दी जल्दी, मैं तो भूल ही गया, मैं राजीव के लंबे बाल हैं। थैंक यू बॉय। थैंक यू क्यों? क्योंकि तुझे याद दिलाया। अरे फसाया भी तो आपने ये सब में। हाँ मैंने कहा था बिंदिया से शादी करने का नाटक करना के लिए। अरे बाबूजी इन सब चीजों का टाइम नहीं है अब यार, बच्चे कैसे इससे सोचो। तूने उनसे क्या कहा कि सर पे चोट लगी है? हाँ हाँ। तो मैं तेरा सर पट्टियों से ढक देता हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि बाल लंबे हैं या छोटे। अरे व्हाट एन आइडिया सर जी, तू डॉक्टर नहीं भगवान है, भगवान है तेरे साथ दोस्त, भगवान सबको दे यार। जल्दी जा पट्टिया ले। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। इमेजिन कर अगर बहू यहाँ होती तो क्या कहती। राजीव तुम एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम खुद के नकली जुड़वा भाई भी बन गए। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस तरह के आदमी हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। लगता है सोच लिया। कैसी लगी बहू? जोर से, मेरा मतलब कुछ क्यों होगी प्रिया, यहाँ पे इतनी मुश्किल में वैसे फंसा हुआ हूँ, प्रॉब्लम नहीं लग रही आपको? अब तू पट्टी बांध, हम जाके उस मुसीबत को लेके आते हैं। हाँ। गुपचुप गुप्ता। गुप्ता। डॉक्टर वो आ रहे जल्दी आ। क्या पट्टी बांध। अरे क्या कर रहे हैं यार, मुंह पे नहीं ऊपर बाल छुपा रहे।
गुप्ता। मैं तो तंग आ गया हूँ। लो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गए। हेलो एवरीवन। हेलो। एक सेकेंड, आपने क्या कहा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम? जब भी मैं सेट पे आता हूँ आप बोलते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गए। आज तो मुझे जानना है कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है क्या। मेरे कहने का मतलब ये मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। ओए कुर्सी लाओ, ईपी साहब आए। ठंडा उंडा बोल बबलू। एक बात बताइए, सेट पे चल क्या रहा है? वो सेट पे शूटिंग चल रही है और शूटिंग में झगड़े चल रहे हैं। हीरोइन जो है वो हीरो के कदमों में नहीं गिरना चाहती। मैं ये कुशल और बिंदिया के झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा। मैं राजीव के डबल रोल के चक्कर की बात कर रहा हूँ। और एक बात बताइए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टोरी में चेंजेस लाए जा रहे हैं, वो भी चैनल की परमिशन के बिना। ऐसी कोई बात नहीं है ईपी सर। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो गधा है? और किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी? तो एक काम करो, राजीव को बुलाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ राजीव को? ठीक तो है ना? सब ठीक है। राजीव सर हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलने गए। पास में एक दो घंटे में आ जाएंगे। एक दो घंटे? मैं एक दो घंटे वेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टोरी में चेंजेस लाए जा रहे हैं। एक काम करो, मुझे राजीव का एड्रेस तो अभी जाकर उससे मिलता हूँ। राजीव मर दिख रहा, क्या हो गया उसे? डॉक्टर, हमारा राजीव तो ठीक हो जाएगा ना? देखिए आंटी जी, घबराने की कोई बात ही नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर पे लाइट गिरी है और घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा था ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटी सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्हें आराम की जरूरत है, आप इनसे ज्यादा बात करेंगे ना तो ये पागल हो जाएंगे। राजीव बिल्कुल टेंशन मत ले, हम लोग है ना यहाँ पे। राजीव कहाँ है? यही तो लेटा पड़ा है। क्या? ये राजीव है, मैं राजीव के बारे में पूछ रहा हूँ। वो अपनी शूट पे चला गया है। अरे यहाँ भाई पथारी में बीमार पड़ा है और वो शूटिंग कर रहा है। नहीं नहीं आंटी अंकल, वो तो मैंने ही उसे भेजा है। मैं तो यहाँ इस खाट पे पड़ा रहूंगा, लेकिन वहाँ पे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बोला चला जा मेरे भाई चला जा। वो फिर भी नहीं जा रहा था, फिर मैंने उसे कसम दी फिर गया हूँ। गुप्ता, मुझे पता चल गया कि ये राजीव नहीं है। oh, no! और वो जो है ना, वो राजीव नहीं है। अंकल मैं बताता हूँ आपको, असल में हुआ ये कि नहीं, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बच गया, मुझे तो लगा था कि पोल खुल गई। बेटा तू बड़बड़ा क्यों रहा है? अच्छा यही सोच रहा है ना कि प्रिया अगर यहाँ होती तो वो क्या कहती। अरे बोलो बोलो और झूठ बोलो। झूठ बोलने में तो तुमने पीएचडी कर ली है। जिसे मैंने राजा हरिश्चंद्र समझा था वो तो मिस्टर नटवरलाल निकला। अरे इतना तो सोचो कि जब बिंदिया के पप्पा को तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। थैंक गॉड हुआ नहीं। अरे ऐसे टाइम में वाइफ हो ना यहाँ पे तो अच्छा लगता है, यू फील फ्री। मेरा मतलब थैंक गॉड से है कि अगर वो यहाँ होती तो उसे सदमा लग जाता। हाँ, लेकिन अगर बहू यहाँ होती तो बहुत मजा आता। राजीव ये यहाँ क्या कर रहा है? अब तो राजीव और राजीव दोनों का भांडा फूटा। अगर इसके सामने राजीव का भांडा फूटा तो भी शो बंद होगा, और अगर बिंदिया के मम्मा पप्पा के सामने राजीव का भांडा फूटा तो भी शो बंद होगा। मतलब दोनों तरफ से मैं ही गया ना। ओ गॉड राजीव, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बोलो यार कैसे हुआ अचानक से सब कुछ? कैसे क्या कैसे कैसे कर रहे हो? अरे शूटिंग में सर पे लाइट गिरी तो लगा ना। क्या सर पे लाइट गिर गई? अरे लेकिन मैं तो अभी सेट से आ रहा हूँ, वहाँ पे तो सब लोग ऐसे मस्ती में शूट कर रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने कुछ बताया नहीं मुझे। वो मेरी तो टीम ही कुछ ऐसी है, हम ऐसे ही काम करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टेलीकास्ट भी तो जाना है, एपिसोड तो बनाना है, चैनल की इज्जत का सवाल है ना, इसलिए एकदम मेहनत से काम करते हैं सब। मैंने सबको कहा हुआ है पर्सनल लाइफ अपनी जगह, लेकिन शूटिंग के टाइम नो थिंकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
क्या टीम है तुम्हारी। थैंक यू। अच्छा कैसे आना हुआ? अब एक्चुअली तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूं, लेकिन नहीं कहो ना तो बेटर है। क्या है ना कि मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम स्टोरी में कुछ चेंजेस ला रहे हो या फिर ला चुके हो, जबकि मैंने तुमसे स्ट्रिक्टली कहा था कि चैनल की परमिशन के बिना स्टोरी में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आने चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मेरे भाई कि कोई चेंज नहीं होगा, और तुम्हें बताए बगैर तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा, नहीं तो तुम शो बंद कर देना। और क्या कह सकता हूँ मैं? पर तुम ये शो बंद कर देना, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? वो क्या है ना कि सर पे जब चोट लगी थी तो दांत से थोड़ी जबान भी कट गई है। गुप्ता ये कौन से शो की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं? ये राजीव जिस शो में काम करता है ना उसी शो की बात कर रहे हैं। लेकिन राजीव तो एक्टर है ना, तो फिर ये स्टोरी? वो राइटर भी है। ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। हमें भी अभी पता चला। क्या? हमें अभी अभी ये पता चला कि हमने तुम्हें बताया नहीं। अच्छा अच्छा इट्स ओके आई ट्रस्ट यू। अब मुझे किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं, बस हम तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कल फिर आऊंगा मिलने। अभी कल फिर आओगे? मैं कल फिर आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा कल तक। कल तक तो मैं सेट पे भी होऊंगा। वाह प्रोड्यूसर हो तो ऐसा। भाई साहब आप इन्हें प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हैं? प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये राजीव है जो एक्टर है, और वो राजीव जो है ना वो प्रोड्यूसर है। हाँ तो यही तो राजीव है। मैं समझाता हूँ नितिन, ये मेरे बाबूजी के दोस्त हैं, इनका बचपन से ना एक स्क्रू थोड़ा ढीला है, अभी कुछ भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं बिंदिया का बाबूजी हूँ, बिंदिया का पप्पा, पूछ के देखो बोलेंगे। वैसे आपकी तारीफ। टेक दिस, जब जब बच्चा रोए उसे दे दो बंसाली एंड बंसाली के टॉय। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? ये जो सीरियल में वो बिंदिया बहू है ना, उसका मैं पप्पा हूँ और ये मम्मी है। समझ गए? लल्ला कहाँ है? लल्ला बाबूजी। लल्ला हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, अगर हमारे लल्ला को कुछ हो गया ना तो हम गंगा में कूद के जल समाधि ले लेंगे। लल्ला मैंने लक्ष्मी को फोन करके बताया था सब कुछ। अम्मा जल समाधि लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हमारे बनारस में एक कहावत है, कभी ना पार कीजिए संस्कारों की लक्ष्मण रेखा, और झूठ नहीं होता आंखों देखा। अम्मा वो छोटी सी खरोच है। छोटी सी खरोच है? हाँ तो उतार फेंक ये पट्टियाँ। पट्टी में रहने दो, पट्टी ना उतारो, पट्टी जो उतर गई भेद खुल जाएगा। चोट तेरे सर पे लगी है और असर लगता है इन पर हो गया। अब मैंने कहा ना आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर से पूछ लो। बताओ। देखिए मामूली सी चोट है, इनके सर को मैंने इसलिए कवर किया है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। हाँ लल्ला की अम्मा तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे चिंता तो करेगी ना, मैं भी तो चिंता करती हूँ अपनी बेटी बिंदिया की, बस अब उसकी सगाई हो जाए। सगाई? लल्ला नहीं, हमें नहीं पता कि ये बात अभी हमें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा अनुमान हो रहा है कि जब से बिंदिया की सगाई की बात शुरू हुई है ना, कुछ शुभ शुभ नहीं हो रहा है। अब देख प्रिया की मौसी जी बीमार हो गई, और ये मुई लाइट पता नहीं कहाँ से आकर तेरे सर पर गिर गई। ये सब मेरी बिंदिया की सगाई की वजह से हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमें लगता है कि बिंदिया की सगाई का अभी सही मुहूर्त नहीं है। अल्लाह हम क्या करें, कुछ समय के लिए बिंदिया की सगाई को टाल दे। भाभी जी अपनी बिंदिया की सगाई टालने के लिए राजीव से क्यों कह रही है? पर बिंदिया की तो शादी हो चुकी है। एक मिनट, तुमने मुझसे कहा था कि स्टोरी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ तो बोल रहे कि बिंदिया की सगाई हो रही है जबकि उसकी तो शादी हो चुकी है। अगर राजीव ने कहा है कि कोई चेंज नहीं होंगे तो राजीव अपने प्रॉमिस पे खड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं होंगे, डोंट वरी। ए गुप्ता अब क्या है? ये बिंदिया और राजीव की सगाई से ये चैनल वाले का क्या लेना देना? कि सीरियल में बिंदिया का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ना, इसलिए बिंदिया के आगे उसे मिन्नत करनी पड़ती है, इसलिए जलता है। अरे हाँ हाँ जल कुकड़ो से जल कुकड़ो। ओके आई ट्रस्ट यू, अपना ध्यान रखना, बाय एवरीवन।
शुक्र है ये चैनल वाला तो संभला, अब बस मिस्टर एंड मिसेस टोए को यहाँ से भगाना है इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए। पापा, बिंदिया मर बच्चो। अम्मा, बिंदिया। बचपन से सुनता आया था, आज देख भी लिया। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, आज मुसीबतों का ये जो स्टॉक है छप्पड़ फाड़ के दिया है। क्या हुआ? पापा ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? क्यों? क्योंकि मुहूर्त सही नहीं है मम्मी। मेरे सेट पे ना एक बहुत बड़े पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए ये सगाई नहीं हो सकती। हाँ, वो पंडित बहुत माना हुआ है, वो जो कहता है ना वही सच हो जाता है, इसलिए ये बात माननी चाहिए हमें। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि मुझे चोट लगेगी, लग गई ना सर पे। हाय हाय। ए गुप्ता, ये भाभी जी ने आंखें क्यों बंद की है? राजीव और बिंदिया के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वो प्रार्थना कर रही। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ गुप्ता, अभी इतने बड़े प्रतिष्ठित पंडित ने कह दिया कि अभी राजीव और बिंदिया की सगाई नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं करने का, हम लोग को अमेरिका जाने का, 6 महीने वहाँ रहेंगे फिर वापस आएंगे ना, तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। पापा, मैं ना शूटिंग छोड़ के आई हूँ, मैं वापस जाती हूँ। ओके, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ ना इसीलिए। हाँ, शूटिंग करो, शूटिंग। बाय पापा। बाय मम्मी। गई अम्मा। है? हमारी प्रतिज्ञा नहीं टूटी। हाँ अम्मा, आप दोनों कितने अच्छे हैं। एक बात बताएं, आप दोनों के सारे अच्छे गुण बिंदिया बहू में जैसे उतर आए हैं। हम आप दोनों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बिंदिया बहू दी, अरे जिसके बिना तो हम जी नहीं सकते। हाँ, सच्ची कह रहे हैं, गंगा मैया की कसम। कितना प्यारा परिवार मिला है मेरी बिंदिया को। कितना प्यार करते हैं बिंदिया से आप। ए भाभी जी, मैं एक बात बोलो, मैं जब आपके घर पे वो डिनर के लिए आया था ना, तभी मैंने देखा कि आप अपने एक बेटे से बहुत प्यार करते हो और दूसरे बेटे का तो जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन आज मेरे को पता चल गया कि आप है ना अपने दोनों बेटों से भरपूर प्यार करते हो। दोनों बेटे? दोनों बेटे? मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था, बस मेरी कश्ती किनारे लगने ही वाली है, लेकिन अब खुद फंस गया हूँ ना, तो किसी और को फंसा के ही रहूंगा। अम्मा, आज मैं आपको सब सच सच बताने वाला हूँ बाबूजी के बारे में, बाबूजी की वो बात जो आज तक उन्होंने हमसे छुपा के रखी। बाबूजी, हम सब से छुप छुप कर किसी को बताए बिना बाबूलाल की चाय पीते हैं, मिश्री वाली। क्या? बाबूजी ने कसम भी दी थी, लेकिन हेल्थ से बढ़कर कसम नहीं हो सकती। लल्ला के बाबूजी, आप घर चलिए, आपको तो हम घर चल के देखेंगे अच्छे से। हमने सिर्फ इसलिए चाय का त्याग किया हुआ है कि आपको डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया हुआ है, और आप हमसे छुप छुप के उसकी, हमारा मतलब है बाबूलाल की चाय पीते हैं। क्या बात है, अपने पति के लिए पत्नी ने चाय का त्याग कर दिया। काश आज ये बिंदिया सगाई की अंगूठी पहना देती ना, तो हम खुशी खुशी यूएसए चले जाते। डॉक्टर, मेरे बात कुछ करो, चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अभी इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज इन्हें अकेला छोड़ दीजिए और इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। अरे लकी अम्मा, चलो घर चलो ना, तुम्हें हमारी क्लास भी तो लेनी है, और बंसाली भाभी जी आपकी फ्लाइट का अभी तो टाइम हो रहा है। आप तो चलिए लल्ला के बाबूजी, हम अभी आपको बाहर चल के देखते हैं। जाइए जाइए अम्मा, क्लास लीजिए। भाई सर्कस वाले तो गए, अब बता क्या करना है। नींद की गोलियां दे दे यार, मैं मरना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं सोना चाहता हूँ थोड़ी देर, इसको एक सपना समझ के भूल जाऊं, यही अच्छा होगा मेरे लिए।